हमारे साथ उसने रेप किया, जान से मरने की धमकी दी। कमरा में दस्ती हमको घसीट ले गया, हमारे साथ उनकी रियायत नहीं जो दस्ती करी तथा हमारा मुंह दबा लिया। इसकी शिकायत हमने SSP ऑफिस में करी, RI को दी, महिला थाने में दी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। SP साहब ने कह दिया कि तुम्हारे इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं की गई है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कमरा दिखाने के बहाने में 18 बैच के इस सिपाही अंकित रॉय पर महिला सिपाही ने बलात्कार का आरोप लगाया है। खाकी को शर्मसार कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है। पीड़ित महिला सिपाही अपनी माँ के साथ SP के चौखट पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। वही पुलिस भी महिला सिपाही की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी है। महिला सिपाही ने क्या कुछ आरोप लगाया है सिपाही पर सुनिए। क्या हुआ है, आप कुछ आरोप लगा रही हैं? आपने कहीं शिकायत भी की है, शिकायत कहाँ की है और क्या है मामला? हम 10 तारीख को गए थे, अंकित राय नाम का लड़के का फोन आया था कमरा दिखाने, जब कमरा दिखाने के लिए हम गए तो अंकित राय ने अपना कमरा में दस्ती हमको घसीट ले गया, हमारे संग अंकित राय ने जो दस्ती करी तथा हमारा मुंह दबा लिया। जब हम बहुत मुश्किल से छूट के भागे तो जान से मरने की धमकी दी। हम इस पर बहुत डरे से हम के बैठ गए, फिर हमने अपने घर वालों को फोन पर बुलाया, हमने इसकी जानकारी SSP ऑफिस में, IGRS में, CM में, योगी में, सब में जाकर इसकी जाके दी है। इतने दिनों से परेशान है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके खिलाफ कौन है? अंकित राय, अंकित राय जो है 19 बैच का सिपाही है, 18 बैच का सिपाही है, जो कि पुलिस लाइन में तैनात है। कहाँ? पुलिस लाइन गोंडा में। पुलिस लाइन गोंडा में तैनात है। जबरदस्ती की या कुछ और भी किया? हमारे साथ उसने रेप किया। रेप किया आपके साथ? जी जी। मतलब गलत काम किया? जी जी, गलत काम किया। कहाँ पे तैनात है? पुलिस लाइन गोंडा। वो भी कांस्टेबल है? वो भी कांस्टेबल है, 18 बैच का। और आप भी कांस्टेबल हैं? हाँ। क्या चाहती हैं? उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? इसकी शिकायत हमने SSP ऑफिस में करी, RI को दी, महिला थाने में दी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। SP साहब ने कह दिया कि तुम्हारे इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं की गई है।